मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है। हेलो, कोई भी बंदा अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ विजिबल है, विजिबल सर, इट्स तो विजिबल। ओके, तो बेसिकली दिस इज यू। ओके, एंड बेसिकली यही एक बेसिक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के साथ होता है कि कोचिंग भी जानी है, डेली का रूटीन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, न्यूज़पेपर भी है, रिवीजन भी है, हेल्थ भी खराब है, घर के प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ अगर किसी के लव लाइफ वगैरह है तो वो हो गया, आंसर राइटिंग, पीसीएस का कोई एग्जाम आ रहा है, और फिर रिलेटिव तो पीछे से है ही, मगर फिर भी आपको ये कहना है कि आई एम ओके। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि ये जो एग्जाम है जितना पेनफुल है ना, उससे ज्यादा मतलब आगे जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं ना, तो जितने भी लोग आपके पीछे अभी बोलने वाले हैं ना, तो वो सभी का जो होता है वो बोलने का एक मतलब उनको खुद ही जवाब मिल जाता है। और इवन आई विल से कि जो जो अभी आपसे बोल रहे हैं ना, उनको फ्यूचर में एक बार जवाब जरूर दीजिएगा जैसे ही सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने टेलीग्राम पे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और मैंने जो पिछली बार शेयर किया था आप लोगों का, मैंने प्रिलिम्स टैकर बनवाया भी था, तो वो प्रिलिम्स टैकर सभी लोगों ने एक बार फॉलो किया, मुझे सभी लोग एक बार बताएंगे। तो ये बेसिक हमने शेड्यूल बनाया हुआ है आपके अगले 90 डेज का, ठीक है? इन 90 डेज में आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो हमने इसमें बेसिकली एक यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। और मैंने एक बेसिक शेड्यूल शेयर किया था, ये ओमकांत ठाकुर सर हैं, आईएएस हैं, उनका शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल में जैसे मान लीजिए कि एक टाइम टेबल आपका ये हो सकता है उनके लिए, जो लगभग 6:30 बजे उठ रहे हैं, ठीक है? 6:30 बजे जो उठ रहे हैं, वो सबसे पहले क्या कीजिए कि उठ के जो है योगा वगैरह, और मैं अभी एक ऑडियो शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो योगा का एक ऑडियो है जो मैं चाहूंगा कि सभी लोग सुबह उठ के, मतलब 5 से 6 रख लें, या 6 से 7, या 7 से 8, जो भी आप लोगों को सुटेबल हो, सभी लोग उसको मेरे साथ ऐसी ही 60 मिनट से एक साथ सुनेंगे, और लगभग 19 मिनट का वो ऑडियो है। तो सभी लोग मेरे साथ ध्यान करेंगे, मतलब बेसिकली ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो मतलब मैंने पर्सनली चीजें एनालाइज की हैं कि होता क्या है कि वी फोकस मोर ऑन रिविजन एंड वी मीन्स नेग्लेक्ट आर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे बेसिकली फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत चीजें एनालाइज करने के बाद आपको बोल रहा हूँ। तो 19 मिनट आपके सुबह के मैं मांग रहा हूँ, मतलब 20 मिनट मान लीजिए, सुबह के 20 मिनट सबसे पहले आपको मेरे को देने हैं। ये जो अगर 6:30 बजे उठते हैं सभी लोग कंफर्टेबल हो, तो 6:30 से 6:50 मिनट तक हम लोग जो है उस मेडिटेशन को करेंगे। वो ऑडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बोथ इंग्लिश और हिंदी में है, तो वो सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक स्टडी कर लीजिए, लगभग 8:30 से लेकर 9 बजे तक लगभग 1.5 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि 9:30 से 10:30 जो है अपना ब्रेकफास्ट हो गया, फोन कॉल्स हो गया, जो भी चीजें हैं सब आप कर लीजिए, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो छूटे, और यहाँ पर से फोन बंद कर दीजिए टोटली। अब क्या कीजिए, 2.5 घंटे पूरा पूरे बैठ ये, क्योंकि फोन बंद है यहाँ पर से। अब 1 से 1.5 से 2 क्या कीजिए, राज्यसभा टीवी और ये खाने के साथ साथ कान में ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए। अब क्या कीजिए, 2 से 3, अभी तो मतलब लगभग 1 महीना और न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, जब तक अगला महीना नहीं आता है, जून जुलाई जुलाई और अगस्त पूरा पूरा आप लोग पढ़िए न्यूज़पेपर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, न्यूज़पेपर पे 1 घंटा आप दे सकते हैं अभी। तो यहाँ पे प्रीलिम्स से लगभग 2 महीने पहले यानी कि अगस्त में आप लोग न्यूज़पेपर बंद कर देंगे, तो ये फिर 4 घंटे का एक स्टॉक हो जाएगा पढ़ाई का। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 घंटे में से, ये उनका टाइम टेबल है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमने क्या टाइम टेबल बनाया वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग 1.5 घंटे का है, इसमें आप टेस्ट सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए और स्टडी कीजिए। स्टडी कैसे करना है वो पीछे मैंने शेड्यूल शेयर किया हुआ आपको, 3 स्लॉट्स में कैसे बनाना है, उस पर यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा। 7 से 9 फिर स्टडी करने बैठिए, 2 घंटे का स्लॉट, फिर डिनर, राज्यसभा टीवी वीडियो और ये डेली का करंट अफेयर्स मैथ बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद 9:30 से 11:30 फिर से पढ़ने बैठिए, 11:30 से 6:30 हो जाइए, ठीक है? ये तो उनमें से था जो 6:30 बजे उठते हैं। आप में से कौन कौन है जो 6:30 बजे उठते हैं, एक बार अनम्यूट करिएगा, बता दीजिएगा, फिर म्यूट हो जाइएगा।
एवा बता दीजिए 6:30 बजे वाले कौन कौन है? सर मैं इससे जल्दी उठती हूँ। अजीत कौन? यस सर। वो ऑफ मतलब हाउ मेनी ऑफ यू वेक अप अराउंड 6:30 to 7 AM डेली? कोई है ऐसा या सब लोग 5:30-4 बजे 5:30-4 बजे ऐसे वाले हैं? सर 5:30 अराउंड 5:00 तो ठीक है, मिनिमम मान लेते हैं कि 5 बजे आप लोग उठ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो एक ये मैंने बनाया हुआ था कि इसी अटेम्प्ट में IAS बनने का एक वैज्ञानिक टाइम टेबल कैसा हो। तो पहली बात तो ये कि वैज्ञानिक टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, वैज्ञानिक टाइम टेबल ये होता है कि जो आपको मोस्ट सुटेबल हो वो वैज्ञानिक टाइम टेबल है, वो साइंटिफिक है आपके लिए। अब जैसे मैंने टीना डाबी मैंने सभी टॉपर्स के भी टाइम टेबल एनालाइज किया, उसके बाद जो कंक्लूजन पे आया वो बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लगभग इन्होंने क्या किया था, जैसे 7 बजे उठती थी, तो मान लीजिए आपने बताया कि 5:30 बजे उठते थे, तो 7 से इन्होंने सुबह के फ्रेश वगैरह हुए तो 7:30 से न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे, 8:30 तक इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा और 8:30 में जो है ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 जो है स्टडी का शॉर्ट रखा 3 घंटे का, फिर 12 से 1 1 घंटे का शॉर्ट रखा, 1 से 2 लंच कर लिया और 2 से 3 जो है इन्होंने आराम कर लिया, मोबाइल वगैरह देख लिया। अब 3 से 5 जो इन्होंने करा फिर पढ़ने बैठे, फिर 5 से 8 जो है इनका रिवीजन चला, 8 से 9 इन्होंने डिनर किया और 9 से 11 2 घंटे फिर पढ़ने बैठे और 11 से 12 सोशल मीडिया, 12 बजे ये सो गए, फिर वही 7 बजे उठे दूसरे। यहाँ पे इनका कहना था कि बिग टॉपिक्स जो है 3 घंटे का और 2 घंटे जो है मीडियम लेंथ टॉपिक और 3 घंटे डेली रिविजन के देने ही देने, मगर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब लगभग 18 घंटे का हम जो बात कर रहे हैं अपने टाइम टेबल की, जो हम प्लान कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि सुबह 3 से 4 बजे हम उठ जा रहे हैं। मैंने 3/4 इसलिए रखा है कि 3 हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो 4 सबके लिए ह्यूमनली पॉसिबल रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 घंटे आप जो है सुबह उठ के शिफ्ट 1 में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं अपने डेली वर्क के लिए 6 से 7 मतलब एक्सरसाइज वगैरह और रूटीन वर्क के लिए। अब उसके बाद शिफ्ट 2 होती है आपकी 3 घंटे की, जो होती है 7 से 10। अब यहाँ पे क्या कीजिए, शिफ्ट 2 में थोड़ा सा ये गलत हो गया कि 6 से 7 में आपका ठीक है सब चीज़ें हो गई, तो 7 से 10 बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, फ्रेश भी हो गए, 7 बजे तक खाना आना भी खा लिया, मान लिया कि 7:30 से बैठते हैं तो यहाँ पे 2.5 घंटे का आपका वो हो गया 2.5 आवर्स का। तो यहाँ पे 10 बजे तक आपने खा लिया, उसके बाद 10 से 10:30 आप क्या कीजिए अपने अदर काम वगैरह कर लीजिए, शिफ्ट 3 आपकी शुरू होती है, फिर 10:30 बजे से 2 बजे तक बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और इसमें जो है अपना जो जो काम है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 वाला टाइम टेबल वाला, अगर किसी ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए कैसे हमने मतलब शेड्यूल दिया हुआ है आपको। तो ये 10 से 2 पढ़ लीजिए, ये उनके लिए है जो सुबह उठ जा रहे हैं 4 से 6। मैंने आगे बात की हुई है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बात की हुई है, जो रात को उठते हैं मतलब उल्लू हैं, जो रात को कहते हैं कि भैया रात को ही पढ़ेंगे 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, उनके लिए यह टाइम टेबल है, ठीक है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है लाइक अरुण यहाँ पे हैं हमारे साथ, तो अरुण जी आपके लिए भी टाइम टेबल हमने एक बनाया हुआ है और स्टडी टारगेट्स दे दीजिए हम लोग देंगे आप लोगों को, तो उस बेसिस पे आप लोगों को काम करना है। अब 4th shift जो है 3 घंटे की रखते हैं उनके लिए, जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो 3 से 6 बजे तक फिर पढ़ेंगे, मतलब उसके बाद क्या करेंगे 6 से 8, जैसे मैं अपना 6 से 8 का जो काम है वो सोशल वर्क सोशल मीडिया इन चीज़ों के लिए रखता हूँ, आप इसमें बेसिकली अपनी हॉबी डेवलप कर लीजिए, जैसे कोई अगर ब्लॉगिंग करना चाहता है तो ब्लॉगिंग की वीडियोस बना ले, मतलब एक स्पेसिफिक अपनी एक हॉबी डेवलप करिए। कि मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो सभी लोग ब्लॉगिंग को एज अ कॉमन हॉबी डेवलप कीजिए, और ब्लॉगिंग भी स्टडी ब्लॉगिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे सुबह आप उठते हैं तो सुबह उठते ही करिए कि आज मेरा ये सुबह उठे हम, और उसके बाद जो है डेली का रूटीन वगैरह थोड़ा बहुत वीडियो, उससे क्या होगा एक डेली शाम को एनालाइजेशन आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा कि मैंने आज किया क्या। क्योंकि बेसिकली डायरी लिखने की आप सोचेंगे तो पहले 2 दिन आपको मोटिवेशन आएगा, 3rd से 4th दिन से वो डायरी साइड में पड़ जाएगी और बिल्कुल कोई नहीं वो करेगा, और बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है,
मगर वीडियो का क्या हुआ कि आज वीडियो बनाया, कल को बनाया, परसों को बनाया, और बिल्कुल अगर आप लोग चाहें तो हम उन वीडियोस को आप आई एस यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनल आप लोगों के यूट्यूब अकाउंट हम लोग क्रिएट करवा देंगे और कैसे क्या करना है उसको हम लोग पूरा गाइड कर देंगे आप लोगों को। तो इससे क्या होगा, एक हॉबी डेवलप होगी, कॉमन हॉबी। मतलब इंटरव्यू में मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके सब जो है इंटरव्यू तक पहुँचे और एक कॉमन हॉबी हो, वहाँ पे अगर पूछा भी जाए तो हम ब्लॉगिंग करते हैं और एज अ कॉमन हॉबी, तो एक एग्जामिनर इंटरव्यू को भी लगे कि भैया 15 से 30 लोग जो हैं, 40 लोग 50 लोग एक साथ इनकी हॉबी ब्लॉगिंग कैसे आ गई। तो उसके बाद देखिए बेसिकली 1 घंटे फिर से पढ़ने बचिए, 8 से 9, 9 से 10 जो है 1 घंटा रखिए रिवीजन के लिए, ब्रेक ले लीजिए यहाँ पर, खाना आना खा लीजिए 9 से 10, 8 से 9 जो है अपना रिवीजन कर लीजिए, अब सो जाइए 10 बजे से 3 बजे तक फिर सो जाइए। अब टोटल घंटों की जब बात करते हैं तो लगभग 13.5 घंटे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, 5.5 घंटे आपके पास अपने और कामों के लिए और 5 घंटे सोने के लिए। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मेरे साथ बेसिकली होता है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, दिमाग बार बार आपको फूल करने की कोशिश करेगा। कैसे कि जैसे आप आज मान लीजिए 4 बजे नहीं उठे तो ये क्या कहेगा कि आज 5 बजे तो मैं उठाऊँ, तो एक काम करता हूँ 7 बजे से उठूंगा और 7 से लेके मैं 6 घंटे लगातार पढ़ दूंगा। अब जैसे 7 बजते हैं, अब 7 तो बज ही गया, अब मैं 10 बजे उठूंगा, 10 से पढ़ूंगा शाम के 7 बजे तक। फिर 10 बजे उठा, 10 बजे तो हो गया, मगर 10 के बाद क्या हुआ कि 10 के बाद ये हो गया कि कंटिन्यूसली अब यार पढ़ने का मन नहीं करा, अब मैं पढ़ूंगा 1 बजे। अब 1 बजे फिर 1 बजा तो 1 बजे के बाद क्या हुआ कि अब दिमाग ने कहा कि मैं अब पढ़ूंगा शाम को 5 बजे, और 5 बजे से कहा कि अब तो भैया मैं सो जाता हूँ, काम हम करके 9 बजे तक अब मैं थोड़ा यूट्यूब वीडियो नेटफ्लिक्स की वीडियोस देख लेता हूँ। 9 बज गया लगभग, 9 कहा कि अब तो मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, 9 बजे फिर सो गए, और कल को फिर यही साइकिल रिपीट होगी। ये क्या है, जैसे विशियस साइकिल आपने पढ़ी होगी पॉवर्टी की, ये विशियस साइकिल है स्टडी की, तो ये कंटिन्यूसली आपको गड्ढे में डालते जाएगी। तो एक काम कीजिए, जब भी आपका दिमाग ऐसा कहे कि जो है अब नहीं पढ़ना है, तो इस इमेज को देख लीजिएगा कि हालत आप लोगों की क्या है, उससे बोलिएगा कि भैया नहीं मेरे को पढ़ना है अभी, और सो मैं आधे घंटे बाद लूंगा। सुबह 3 बजे जब दिमाग कहता है कि अभी सो लेते हैं, फिर बाद में आधे घंटे बाद उठ जाऊंगा, नहीं अभी उठ लेता हूँ, आधे घंटे बाद फिर सो जाऊंगा। अब बात करते हैं नाइट आउल्स, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो रात में पढ़ते हैं, प्लीज एक बार बता दीजिए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है, ज्यादा मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है सेशन? हम नाइट में पढ़ते हैं सर, नाइट में पढ़ते हैं, आपके लिए है ये शेड्यूल। कौन बोल रहा है, नाम भी बता दीजिए अपना। विशाल सिंह। विशाल जी, आपके लिए टाइम टेबल स्पेसिफिकली है, और यूट्यूब पे जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी जो नाइट आउल्स हैं वो सुन लीजिए कि क्या करिए, 10 बजे तक लगभग खाना खा के आप फ्री हो जाते हैं, 10 से लेके 1 बजे तक एक स्लॉट रख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 1 से 1.5 बजे तक आप, ये तो है नहीं कि बाहर घूम सकते हैं या ये कर सकते हैं, 1 से 1.5 बजे तक कमरे में मैप लगे होंगे, उन मैप्स को देखिए और अभी तक जो पढ़ा है वो घूम घूम कर रिवाइज कर लीजिए, आधे घंटे का देख लीजिए यहाँ पर। अब शिफ्ट 2 रखिए अपनी 3 घंटे की, 1.5 से लेकर 4:30। अब यहाँ पे 4:30 से 5, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे साथ सब लोग मेडिटेशन और योगा करेंगे, 20 मिनट आपको देने ही देने हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी सबसे ज्यादा है, और ये एग्जाम मेंटल गेम का ही है, जो आखिरी तक सर्वाइव कर गया वो जीत गया इस एग्जाम में। ये एग्जाम आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं लेता, ये एग्जाम लेता है मेंटल प्रेशर की, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को जितना प्रेशर, एक आईपीएस ऑफिसर को जितना प्रेशर लेना पड़ता है, उतना शायद कोई पॉलिटिशियन या कोई और ऑफ सर्विसेज में बिल्कुल भी नहीं लेता। और इस एग्जाम की खासियत यही है, जिसने प्रेशर लेना सीख लिया वो इस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। तो प्रेशर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रेन ट्रेन कैसे होगा, ब्रेन को काबू कैसे करेंगे, ये मेडिटेशन के जरिए पॉसिबल है, और ये प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, 110% करने वाले हैं, और मेरे साथ शुरुआती 10 दिन जो है लेते हैं, 2 घंटे का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ये वाली बात मैंने आपसे कर ली थी, 5 से 7 मतलब आपका योगा भी हो गया और आपने मेडिटेशन भी हमारे साथ कर लिया,
अब 5-7 क्या कीजिए, यहाँ पे रिवीजन के लिए 2 घंटे रख लीजिए और ट्राई कीजिए, 2 टेस्ट लगभग आप सॉल्व करें। और प्रिलिम्स गुरु करके एक ऐप है तो उसको डाउनलोड कर लें सभी, उसमें काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है और फ्री ऐप है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग जो है पेड टेस्ट सीरीज चला रही है ना, उनसे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मुझे लगा है और बहुत अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। मतलब उस पर लगभग लगभग 30-40 टेस्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, विद सेक्शनल एनालिसिस आपको मिल जाएगा और आपको री अटेम्प्ट करने का भी मौका है। बिल्कुल पेड टेस्ट सीरीज जो चीज़ें हैं प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा प्रिलिम्स गुरु, वो आपको बिल्कुल फ्री दी गई है वहाँ पर। तो जो भी लोग टेस्ट सीरीज अफर्ड नहीं करते हैं, एटलीस्ट प्रिलिम्स गुरु की टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम में, और बहुत अच्छा कंटेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका। अब क्या कीजिए, 9 से लेके 1 बजे तक सो जाइए अब, क्योंकि 7 बजे तक हो गया, 7 से 9 आपका खाना पीना हो जाएगा। अब 9 बजे तक, 9 से लेके 1 बजे तक पूरा सो जाइए 5 घंटे, और 1 से 1.5 फिर आप उठिए, उठ के बिल्कुल फ्रेश वगैरह होके आप क्या कीजिए, खाना खाना खा के जो है आप बैठ जाइए 2:30 से 5 बजे तक पढ़ने के लिए। 5 से 7 वही सोशल मीडिया और सोशल वर्क, जो जो सोशल वर्क कर रहा हो, बाकी नहीं तो जो हॉबी डेवलप कर रहा है वो अपनी हॉबी देखे कि सुबह से अभी तक क्या वीडियो में मैंने किया है, तो वो हॉबी डेवलप करने पे लगाएं। अब 2 घंटे की जो है शिफ्ट चौथी आपकी रहेगी 7 से 9, जिसमें जो है आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 9 से 10 आपको क्या करना है, खाना आना खाना है और ये करना है। तो आपने कितना पढ़ा, आपने लगभग 12.5 घंटे पढ़ा पूरा टोटल मिला के, और यहाँ पे 6.5 घंटे आपने और कामों में वेस्ट किए और 5 घंटे आपने पूरी पूरी स्लीप ली। तो इसको मिनिमाइज अगर हो सके तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मतलब ये टाइम टेबल ऐसा बनाया गया है कि जो वास्तव में मैं खुद फॉलो करता हूँ, मतलब मैं तीनों टाइम टेबल जब मेरा जैसा शेड्यूल बन जाता है उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, 18 घंटे लिखा हुआ है, अब आप कह रहे होंगे कि 18 घंटे लिखा तो हुआ है मगर 13-13.5 घंटे क्यों बोला जा रहा है। 18 घंटे केवल लिखने के लिए ही होता है, लगभग 18 घंटे पढ़ना शायद ह्यूमनली इम्पॉसिबल रहेगा। और कोई भी टॉपर अगर ऐसा कह रहा है कि वो 18 से 22 घंटे पढ़ता था, तो मुझे ये बहुत ही गलत लगता है कि 100% अगर वो फुली डेडिकेटेड भी हो जाए तो लगभग 4 घंटे तो उसके निकल ही जाते हैं अन्य कामों में। तो 13-13.5 घंटे मैक्सिमम टाइम रहेगा। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अरुण जी आर यू देयर? हेलो अरुण जी, शुभ सागर महतो, आर यू देयर? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है वॉइस। हाँ, तो शिव सागर जी, अरुण जी, आप लोगों के लिए ये बेसिक टाइम टेबल है। अरुण आर यू देयर? तो देखिए आप लोगों का क्या होता होगा, आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हेलो सर, अभी क्लियर नहीं आ रही है। सर क्लियर है सर, कौन बोला है जिसको क्लियर नहीं है, वो एक बार अपनी ना एक बार जो है अपना नेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर है ना सभी को? हेलो इट्स क्लियर, इट्स ऑडिबल। ओके, तो अरुण जी अगर आपने नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी स्ट्रीम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो जो भी लोग मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि भैया तैयारी कैसे करें। तो शिव सागर जी एक बार मुझे ये बता दीजिए आपकी शिफ्ट कैसे कैसे रहती हैं, तो मैं इसमें थोड़ा आपके लिए वो कर दूँ। 9 से 6 ही रहती है आपकी शिफ्ट, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, लगभग 9 घंटे की। शिव सागर, हेलो सागर, आर यू देयर? कोई वर्किंग प्रोफेशनल और है तो अनम्यूट करके एक बार ना बता दीजिए। रिस्पॉन्सिव रहिए सभी लोग, अटेंटिव रहिए, ये नहीं कि सेशन रख चला हुआ है और काम ये लगा के दूसरी जगह लग गए। तो ये बताइए आपकी शिफ्ट कितने से कितने होती है? 9 से 6 रहती है लगभग? यस सर, 9 से 6 सर।
अब मान लेते हैं कि लगभग 9 से 6 होती है, ठीक है, और अगर किसी की बात की भी हो तो वो ये 9 से 6 वाले टाइम को आगे बढ़ा दे, मान लीजिए कि 6 से 9 हो, तो पूरा टाइम टेबल अपना जो है आगे शिफ्ट कर लीजिएगा इस हिसाब से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सुबह 3 बजे उठ जाइए, 3 से 6:30 पढ़िए, लगभग 3.5 घंटे आपका पढ़ाई हो जाती है, कई लोगों को मुश्किल लगेगा। पहले 10 दिन कर लीजिए, मेरा ये मानना है 21 डे चैलेंज लीजिए, आज से 21 दिनों का प्रण ले लीजिए, कल सुबह से 21 दिन लगातार अगर आप पढ़ लेंगे ना हमारे साथ सुबह 3 बजे उठ के, तो फिर आपको कोई नहीं रोक रहा, फिर आपकी आदत बन जाएगी। 21 डे वास्तव में इम्प्लीमेंट करके देखिए, वास्तव में सही चीज़ है और होता है। तो कल से ट्राई करते हैं 3 बजे सभी लोग उठने का, जो जो करना चाहता है मेरे साथ तो आ सकते हैं, मैं डेली लिंक भी शेयर कर दूंगा मेडिटेशन वाला 3 बजे के लिए। तो जो जो रेडी हो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, इसके बाद मैं आऊंगा, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा किस किसने हैंड रेज किए हैं, तो बाद में इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग उठ गए, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो सुबह उठिए 3 बजे, 3 से 6:30 पढ़िए 3.5 घंटे, उसके बाद 6:30 से 7 डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इसको आप पहले भी कर सकते हैं 3 से 3:30 मेडिटेशन और योगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू करें तो वो ज़्यादा फ्रेशनेस दे देगा आपको। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, फिर 6:30 से 7 बजे तक अपना आधा घंटा जो भी आपको फ्रेशअप और बाकी चीज़ें हैं उनके में लग गए, फिर क्या करा आपने 7 से 8 बजे तक फिर बैठ गए 1 घंटा, और 8 से 9 आपको लगभग, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऑफिस जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, और आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 घंटा आपका ये यहाँ पे हो गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल जो भी है बिल्कुल जेन्यून टाइम टेबल है और आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेबल रहेगा। अरे जॉब के 9 घंटे क्या हैं, 9 से 6 आपका जॉब के घंटे हो गए। इसमें क्या कीजिए, प्रीलिम्स गुरु ऐप के जो भी वो हैं उनको टेस्ट लोग देते रहिए, टेस्ट के जो है साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते चलिए, एवर नोट और वन नोट पे आप जो है नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, और एक नोट करते रहिए फोन के अंदर ही, और रिविजन करते रहिए, मतलब जब समय मिले, लंच ब्रेक होता है उस पर टेस्ट सॉल्व कर लिया, लंच ब्रेक के बाद जैसे ही आपका काम वगैरह से फ्री हुए, मन रिलैक्स करने का हो रहा है, तो जो टेस्ट आपने सॉल्व करा था बीच में पॉज करने का भी ऑप्शन है, तो वहीं से रिज्यूम कर लीजिए वो टेस्ट एक बार करके देखिएगा, या फिर ये रख लेंगे कि टेस्ट जो सब लोग एक साथ ही साइमल्टेनियसली लाइव दे लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप ऑफिस में भी 2 घंटे लगभग निकाल लीजिए, जिसमें आप ऑफिस के काम के साथ साथ अपने 2 घंटे में जो है टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली काम भी हो रहा है। अब तीसरी शिफ्ट जो है वो 7 से 9 होगी आपकी, जिसमें जो है आप क्या करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, मतलब 7 से 9 में आपका जो है काम वगैरह हो गया। हम कहाँ पे आए, हम आ गए कि 9 से 6 आपकी शिफ्ट हो गई, फिर 6 से 7 आपको लग गया घर आने में, और घर आने के बाद जो है 6 से 7 आप घर आ गए, 7 बजे आपने मान लीजिए कि पढ़ने बैठ गए, आने के बाद लगभग 1 घंटा आपके वो हो गया और फ्रेश वगैरह हो गया, आप पढ़ने बैठ गए 7 बजे, 7 से 9 आप पढ़े, पढ़ा आपने, फिर 9 से 9:30 में आपने क्या किया, आधा घंटा जो है अपना काम वगैरह किया, अब रिविजन के लिए आपने निकाला 9:30 से 10:30, 1 घंटा आपने निकाल लिया, और फिर आप सो गए 10 से 3, तो टोटल आपने पढ़ा 7.5 घंटे लगभग आपने पढ़ा, 7.5 + 2 घंटे आपने यहाँ के निकाले, 9.5 घंटे आपने पढ़ा। अब आपको कंप्लीट करना है पीछे वालों से, ये ध्यान में रखिएगा, जो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ये निकालना पड़ेगा, ऑफिस से कुछ समय काटना पड़ेगा, कुछ समय नीच में से तो मैं बोलूँगा कि नहीं काटिए, अपना सोशल डिस्ट्रक्शन बंद कीजिए और काम बंद कीजिए जगह जगह से, जो ये चीज़ें हैं ना ये मैक्सिमम है, तो टू द मैक्स हैं जो हमने बताई हुई है कि 1 घंटा, इसमें 2 घंटे 3 घंटे, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा समय काटिए। जैसे लगभग 12 घंटे हमने आपको और काम के लिए दिए, मतलब 9 घंटे ड्यूटी और बाकी 4 घंटे आपको अदर काम के लिए और 5 घंटे आपकी स्लीप, तो ये चीज़ों में से आपको कट करते रहना है ताकि आप उन लोगों के पीछे मैच कर सकें जो यहाँ पे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे जो है सुबह उठ के 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कंपिटिटर हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे ऐसे लाइव चैलेंज टाइप का आप लोगों को दे देंगे, तो इससे क्या होगा, एक बेसिक आपको जो है चीज़ें पता लग जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बेसिक क्लियर हो गया होगा कि IAS के लिए एक वैज्ञानिक टाइम टेबल जो बोल रहे थे ना, एक साइंटिफिक टाइम टेबल कैसा होगा। साइंटिफिक कुछ नहीं होता, साइंटिफिक ये होता है कि आपको बेसिकली वो बेनिफिट कर जाए, आपको चीज़ें जो हैं काम आ जाएँ, तो वही साइंटिफिक होगा।
तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आप लोगों को सबको समझ में आई होंगी। आप डाउट्स ले लेते हैं सबके, स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए।